हीट का मतलब मैंने बताया है ना, इसमें ये बात सर में महसूस होती है बार दफा कि सारा सर ठंडा और जहां दर्द है वो जगह जल जल रही है। चुनाचे किरकिरे का आपकी हेडेक बार दफा यहाँ कंपटियों पे बैठती है और वहां वो स्पॉट जल रहे होते हैं और सारा जिस ठंड सर्दी महसूस कर सारा सर सर्दी महसूस करता है। गुदी में बार दफा दर्द बैठती है तो वहां जलन का एहसास ही पैदा करती है और बाकी जिस सर ठंडा होता है। तो जिस जगह एक स्पॉट में गर्मी हो और बाकी सर ठंडा हो, जिस हेडेक में, वहां के एल्केरिया कार को सोचना चाहिए। और कार्बन की ये अलामत काली कार में भी पाई जाती है, उसमें भी कार्बन है, सिर्फ एल्केरिया की बजाय पोटैश लगी हुई है साथ, और वहां भी स्पॉट्स में जलन। ये आप सब किताबों में ये पढ़ेंगे कि काली कार में जलन छोटे स्पॉट्स में, तो जिसका मतलब ये कार्बन की अलामत है। और काली कार भी बहुत ठंडी दवा है। एक मरीज को जिसको सर्दी की वजह से नींद नहीं आ रही थी और शदीद ठंडा था, उस वक्त मेरे पास काली कार अवेलेबल थी, मैंने 200 में दी। वो सुबह दूसरे दिन पूछा, उसने कहा मुझे बहुत जल्दी फर्क पड़ा था, फिर मैं आराम से सो गया। सुराइनम तो बाद में जादू की तरह से दिखाती है, लेकिन काली कार भी और लेकेसिस भी बैरूनी जिस्मानी सर्दी को, खसूस अगर निचली टांगों में हो तो उसको दूर करने में बहुत मुमिद है। लेकिन उसके बावजूद गर्मी का कोई स्पॉट जरूर होता है, इसकी पेचिश में भी अंदर कोई एक आध स्पॉट जल रहा होता है और बाकी जगह ठीक है। तो उसमें कैलकेरिय कार में भी कार्बन होने की वजह से ये निशानी है, इसलिए मैं कार्बन के मजामीन में बार बार आपको याद करा रहा हूँ, ताकि जब भी ऐसी अलामतें आए कार्बन का ख्याल जरूर आए, फिर तहकीक करें कि कौन सी कार्बन मुफीद साबित होगी। कार्बोवेज में भी जरूर इस तरह की अलामत है जी, कार्बोवेज में भी कार्बोवेज भी पाई जाती है।